हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको ऑडिटिंग के नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। फर्स्ट आपको किसी भी बिजनेस में रूटीन वर्क के अंतर्गत किसी भी बिजनेस की जो जांच प्रक्रिया इंप्लॉयियों के द्वारा इन वर्किंग पीरियड डे टू डे, क्वार्टरली, मंथली या ऑन बेस्ड टाइम अगर की जाती है तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट आउटर साइड आउटसाइड ऑफ द पर्सन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब संस्था की फाइनेंशियल ईयर बीत जाती है, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका ईयर बीत गया, अब आपका इंटरन ऑडिट पीरियड चालू हो गया, उसके बाद कंपनी को ऑडिट होती है। इस ऑडिट के लिए मैंने इस चैप्टर में कई बार आपको बताया, गवर्नमेंट सेक्टर की ऑडिट के लिए कैग के द्वारा आते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को छोड़ के सभी जगह जो ऑडिट की प्रक्रिया होती है उसके लिए चार्टेड अकाउंटेंट सीए का अपॉइंटमेंट की जाती है। जो सीए आपके बिजनेस की पूरी रिपोर्टिंग ओनर के द्वारा की जाती है। इन एक्सटर्नल ऑडिट का अपॉइंटमेंट कंपनी के द्वारा की जाती है। आज हम आपको डिफरेंसेस बताएंगे। फर्स्ट आपके लिए है, ध्यान दीजिए, इंटरनल ऑडिट। इसको लाइन वाइज फर्स्ट का हमने बनाया है, आप वीडियो ड्राफ्ट करके इसके नोट्स बना सकते हैं। इट इज कंडक्ट बाय एम्प्लॉई ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉई जिस बिजनेस में काम करते हैं उन बिजनेस के साथ वर्क इन ऑडिट मतलब कार्य के साथ जांच करने की भी प्रक्रिया चलती रहती है। फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिट परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंट इन प्रोफेशनल ऑडिट, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट, ये कौन हो सकता है? सीए हो सकता है या कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट व्यक्ति को ऑडिट में आप कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है आपके लिए एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट सर प्राइमरी इन द प्राइमरी नीड ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपकी बिजनेस के लिए अगर फ्रॉड होती है, करप्शन होता है, मिसमैनेजमेंट वर्क होती है तो इसके लिए मैनेजमेंट इस वर्क को करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लियर सेफ वर्क टाइमली कंप्लीट हो। बट एक्सटर्नल ऑडिट सेफ गार्ड इंटरेस्ट प्रोपराइटर ऑफ दी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होती है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी एज ए ओनर होते हैं, वो ऑडिट के कंडीशंस देखते हैं कि बिजनेस की क्या कंडीशन चल रही है। थर्ड पोजीशन आपको बताता है इंटरनल ऑडिट एम टू इंप्रूविंग कंप्लाई एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी प्रोसीड्यूर, या देखती है कि कंपनी के टोटल रूल MOA एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कंपनी ऑब्जेक्ट और टोटल कंपनी के रूल रेगुलेशन का फॉलो किया जा रहा है या नहीं। वह रूल कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत है या नहीं, इसको टोटल रूल से लागू करने का कार्य इंटरनल ऑडिट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट में एक्सटर्नल ऑडिट रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट डाटा। इस डाटे के अंतर्गत कंपनी की क्या ली जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट असेट्स एंड लायबिलिटी टोटल वर्क की जांच करती है कि अकाउंट सही बना है कि नहीं बना है, टैक्स का भुगतान किया गया है कि नहीं। नेक्स्ट ऑफ के लिए आता है फोर्थ कंडीशन इंटरनल ऑडिट वर्क इज डन प्राइमरीली इन द लाइट ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन। लाइट फॉर तुरंत कार्य की प्रक्रिया को यह दिखा देता है। एक्सटर्नल ऑडिट वर्क सब डिवाइड primarily of the light financial statement by the business financial statement, final account, trading profit and loss account and balance sheet के total condition को यहां पर show
की जाती है। नेक्स्ट आपको बताना है फिफ्थ, आपको बताता है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट विद द प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड। अगर कंपनी में वर्क हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, तो फ्रॉड को तुरंत डिटेक्ट ओपन हो जाती है और उन कमियों जिस एम्प्लॉई के ऊपर होती है वहां से हम प्रयास करते हैं कि पता चल जाए, उसको हटा दे, क्या कंपनी का वर्क है, किस हिसाब से ऐसी गलतियां। एक्सटर्नल ऑडिट एनुअल अकाउंट करेक्ट सच इंसिडेंटली इन द कंसर्न डिटेक्ट ऑफ द फर्म। ये टोटल वर्क होने के बाद पता चले कि मिडिल वर्क में किसी भी एक्सटर्नल ऑडिट से हम कंपनी के फ्रॉड का पता नहीं चलता है। सिक्स आपको कहता है इंटरनल ऑडिट अपॉइंटमेंट बाय द मैनेजमेंट, या अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सच रिपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, या देखता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, लोवेस्ट कास्ट, बिजनेस डेवलपमेंट के वर्क की फैसिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, तो इंटरनल ऑडिट होते हुए वो फ्रॉड्स, मिसमैनेजमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द कंडीशंस, इन सब चीजों को पूरा करने के लिए इंटरनल ऑडिट की जाती है। लेकिन नेक्स्ट में इंटरनल ऑडिट अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोपराइटर, तो रिपोर्ट किसको करेगा, वो प्रोपराइटर, वो कंपनी का क्या होगा, ओनर होगा। इन नेक्स्ट सेवन कंडीशन प्रोवाइड कंटिन्यू रिव्यू, इसको हम व्यवसाय में लगातार रख सकते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस में वर्क ए होने के बाद ये वर्क ट्रांसफर हुआ बी और सी ने उसे फाइनल, तो एक से दो, दो से तीन, मतलब एक वर्क बी के पास गई, तो ये पूरी प्रक्रिया दिस इज इंटरनल वर्क, एक के कारण दूसरे बार उसने चेक किया तब तीसरा उसे फाइनल करेगा। तो एक एक किए गए कार्य और बी के द्वारा फिर सी दोनों के कार्यों की जांच करके उसे अप्रूव्ड करता है इंटरनल। एक्सटर्नल ऑडिट वर्क ऑफ द पीरियडिकली आफ्टर इन द आफ्टर सम फिक्स इंटरवल नॉर्मली, ये एक्सटर्नल ऑडिट फिक्स पीरियड फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद ही की जाती है। आज आपने अपने इस VCOM e-learning YouTube चैनल पे इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट के पूरे चैप्टर देखे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडिट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। आप वीडियो को बीच में ब्रेक करके, ड्रॉप करके इसका नोट्स बनाइए कि आने वाले एग्जाम को आप बहुत अच्छा उसमें लिख के अच्छे मार्क्स से उसे क्वालिफाई कर सके। धन्यवाद।